आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ अलसी के लड्डू की रेसिपी। बहुत ही सिंपल तरीके से बनाएंगे। अलसी हमारे हेल्थ के लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होते हैं और ये वेट लॉस करने में भी हमारी बहुत ज़्यादा मदद करते हैं। तो इसके कितने सारे फ़ायदे हैं ना, इसके लिए आप गूगल कर लीजिएगा। अगर मैंने यहाँ पे आपको इसके फ़ायदे गिनाने स्टार्ट किए तो वीडियो छोटी पड़ जाएगी। फिलहाल मैं आपके साथ शेयर करती हूँ इसकी रेसिपी और देखते हैं कि सिंपल तरीके से किस तरह से अलसी के लड्डू बनाए जाते हैं। तो यहाँ पे मैंने 500 ग्राम अलसी लिए थे, जिसे मैंने एक पैन में ड्राई रोस्टिंग कर लिया, मतलब हमें इसे भूनना है। तो यहाँ पर मैंने घी वगैरह का इस्तेमाल नहीं किया क्योंकि अलसी में ऑलरेडी बहुत ज़्यादा ऑयल होता है। तो यहाँ पे देखिए, अलसी को मैंने ड्राई रोस्ट कर लिया। सेम पैन में मैंने मखाने लिए हैं और यहाँ पे 100 ग्राम मैंने मखाने लिए। मखाने को भी मैं अच्छे से ड्राई रोस्ट कर लूँगी। आप चाहे तो घी में भी इसे फ्राई कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए, मखानों को मैंने अच्छे से भून लिया, इसे भी मैंने एक बर्तन में निकाल दिया है। अलसी और मखाने दोनों को हमें अच्छा ठंडा हो जाने देना है। अब यहाँ पे सेम कढ़ाई में मैंने 1 चम्मच घी ऐड किया। घी में मैंने बादाम और किशमिश को थोड़ा सा फ्राई कर लिया है। आप यहाँ पे अपने पसंद के कोई भी ड्राई फ्रूट्स ले सकते हैं, काजू और नट्स, जो भी आप नट्स खाना पसंद करते हैं ना, आप वो सारे नट्स इसमें ऐड कर सकते हैं। मैंने फ़िलहाल किशमिश और बादाम का ही इसमें यूज़ किया है। अच्छे से मैंने इसे भून लिया और इसे मैंने एक बर्तन में निकाल के साइड में रख लिया। अब यहाँ पे मैंने 500 ग्राम अलसी के लिए 500 ग्राम गुड़ का यूज़ किया है। तो यहाँ पे जो ये गुड़ है ना, ये पाउडर गुड़ बहुत ही आसानी से ना मार्केट में मिल जाता है किराने के शॉप पे, तो मैंने ले लिया है और वो मैंने कढ़ाई में ऐड कर दिया। साथ में मैंने इसमें 2 से 3 चम्मच पानी ऐड किया ताकि ये अच्छे से मेल्ट हो जाए। और ये गुड़ मेल्ट होने में ना गाइस बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता, बहुत ही अच्छे से इसकी चाशनी बन के ना तैयार हो जाती है। तो यहाँ पर देखिए, गुड़ को मैंने बहुत ही अच्छे तरीके से मेल्ट कर लिया है। जब तक गुड़ हमारा पक रहा है, यहाँ पर अलसी जो है ना ठंडी हो चुकी है, तो इसे हम पीस लेते हैं। तो यहाँ पे अलसी का हम एकदम महीन एकदम बारीक पाउडर बना के तैयार करना है। अलसी पीस के रेडी है, साथ में मखाने भी पीस लेते हैं। यहाँ पे मैंने मखानों का भी पाउडर बना लिया है। अब यहाँ पे देखिए, जब हमारी चाशनी काफ़ी अच्छी तरह से पक रही है और उसका कलर भी काफ़ी अच्छा चेंज हो गया है, और अगर तार के हिसाब से बनाओ तो आपको एक तार की चाशनी बनानी होगी, और नहीं तो गुड़ को अच्छे से मैल करके थोड़ा पका लीजिए, बन के रेडी है। अच्छे से यहाँ पे मैंने मखाने और अलसी को मिक्स कर दिया। मिक्स करने के बाद हम इसमें जो भी ड्राई फ्रूट्स वगैरह हमने फ्राई किए थे ना, वो भी हम इसमें ऐड कर देंगे। और ऐड करने के बाद सारी चीज़ों को एक बार ड्राई ही अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ पर देखिए, ड्राई फ्रूट्स भी ऐड कर लिया, अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और मिक्स करने के बाद अब हम इसमें ऐड करेंगे चाशनी जो हमने पकाई थी। तो थोड़ा थोड़ा करके चाशनी ऐड करेंगे और अच्छे से मिक्स करते जाएंगे, क्योंकि चाशनी बहुत ज़्यादा गर्म है तो हाथों से मिक्स नहीं करें वरना जल जाएंगे। थोड़ा सा स्पैचुला की मदद से मिक्स कर लेंगे और थोड़ा थोड़ा करके, और अच्छी तरह से जब ये थोड़ा सा ठंडा हो जाए कि हाथों से टच कर सके, उसके बाद इसे दोनों हाथों से अच्छे से मसल लेंगे ताकि चाशनी ना सब में अच्छे से मिक्स हो जाए। क्योंकि स्पैचुला से तो मिक्स करना बहुत ही मुश्किल होता है, गरम गरम चीज़ें होती है तो हाथों से भी हम मिक्स नहीं कर सकते। तो यहाँ पे देखिए, जब ये थोड़ा सा ठंडा हो गया कि मुझे ऐसा लगा कि मैं इसे अब टच कर सकती हूँ, तो मैंने इसे अच्छे से मिक्स कर लिया। अब ये अच्छे से बाइंड हो जाए, मतलब बंधे लड्डू जैसा, इसके लिए मैंने इसमें सिर्फ 2 टेबल स्पून मैंने इसमें घी ऐड किया, क्योंकि अलसी में ऑलरेडी बहुत ज़्यादा तेल होता है। साथ में हमने गुड़ की चाशनी भी बनाई है तो इसमें बहुत ज़्यादा घी की ज़रूरत नहीं पड़ती। यहाँ पे देखिए, मैंने इसे दोनों हाथों से अच्छे से मसलते हुए मिक्स कर लिया। और यहाँ पे मैंने थोड़ी अपनी सासू माँ की मदद ली थी क्योंकि मेरे लिए थोड़ा मुश्किल हो रहा था। इसके बाद अच्छे से मसलने के बाद है ना, देखिए मैंने इसका लड्डू बना के रेडी कर लिया। इसी तरह से हम सारे लड्डू गाइस बना के रेडी कर लेंगे। और मॉर्निंग में ना 1 से 2 लड्डू आप खाइए, इसके साथ आप हल्का गर्म दूध या फिर पानी पीजिए, आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्थ बेनिफिट देखने मिलेंगे। चलिए मिलेंगे अगली वीडियो में, लड्डू को बनाइए, इन्जॉय करिए। बाय बाय।